हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय शुक्ला टेक में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको यूपीटी पीएससी के वीडियो एग्जाम से रिलेटेड एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जैसा कि बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि जो यूपीटी पीएससी ने वीडियो का एग्ज़ाम कराया था उसका पेपर आउट हुआ था, जिसमें काफ़ी अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था और हाईकोर्ट में याचिका भी डाली थी कि पेपर दोबारा से हो, इसकी सीबीआई जांच हो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इन अभ्यर्थियों का पूरी तरह से विरोध करते हैं और दोबारा पेपर होने के भी विरोध में है, और उनका ये कहना है कि पेपर दोबारा से नहीं होना चाहिए और पेपर आउट भी नहीं हुआ था। और उनका ये कहना ये भी है कि जो भी अभ्यर्थी इस पेपर का विरोध करते हैं, दोबारा पेपर कराने की मांग करते हैं, वो केवल और केवल उनका उद्देश्य पैसा कमाना और राजनीति करना और नाम कमाना, इसके अलावा उनका कोई भी दूसरा मोटिव नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरा उन सभी लोगों से बस एक ही प्रश्न है जो लोग ये कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ था और दोबारा पेपर होने के खिलाफ हैं, कि जिस भी सेंटर में एग्ज़ाम था उन सारे सेंटरों ने अभ्यर्थियों से एग्ज़ाम के बाद उनके क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट दोनों सबमिट करा लिए थे, दोनों जमा करा लिए थे, और बोला था कि आयोग पेपर होने के 24 घंटे बाद ही क्वेश्चन पेपर इंटरनेट पर पब्लिश कर देगा। लेकिन फ्रेंड्स, हुआ कुछ ऐसा कि आयोग के क्वेश्चन पेपर पब्लिश करने से पहले ही क्वेश्चन पेपर इंटरनेट पर वायरल हो गया था। तो फ्रेंड्स, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, और मेरा क्वेश्चन भी है कि आयोग के क्वेश्चन पेपर पब्लिश करने से पहले ही क्वेश्चन पेपर इंटरनेट पर वायरल कैसे हो गया। अगर किसी के पास जवाब हो तो वो कमेंट सेक्शन पर इसका जवाब ज़रूर दे। धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही।